सो वेलकम बैक गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी के नंबर वन एजुकेशनल चैनल अनअकैडमी स्टूडियो प्लेज में। दोस्तों आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं, जो है एमपी के उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। अब चाहे आप एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप व्यापम, जो कि आजकल क्या हो गया है, पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो गया है, इनमें से किसी की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, एमपी जीके बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, एमपी जीके का कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, वो भी दो पार्ट में। पहला जो अभी हम करवा रहे हैं वो करा रहे हैं स्टार्टिंग का क्रैश कोर्स, इसके बाद आपको डीप स्टडी कराई जाएगी। तो बिल्कुल हमारे बने रहें, प्रीवियस जो लेक्चर आपके छूट गए उन लेक्चर को पढ़िएगा और आगे लगातार बने रहिएगा। देखिए वैसे तो हम रोज लाइव आते हैं लेकिन अब ये लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन 4 तारीख से 4th of November से मैं आपको लाइव वापस आ जाऊंगा अभी। बिल्कुल तो आपसे हम बातचीत भी करवाएंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो बिल्कुल अभी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा हूं, कोई बात नहीं, बट जय हिंद जरूर लगा दीजिएगा लाइव अगर आप आ गए तो। तो चलिए, मेरा नाम दिनेश ठाकुर, मैं स्वागत करता हूं मेरे चैलेंज तिवारी मित्र के साथ, जो कि आईएएस एकेडमी मंत्रालय एकेडमी सौगर से बिलोंग करते हैं। साथ में दोस्तों और भी हमारे साथ टीम जुड़ने वाली है, जो आपको मैथ्स पढ़ाएगी, एथिक्स पढ़ाएगी, एनवायरमेंट पढ़ाएगी, यानी कि एमपी और व्यापम का सारा सिलेबस यहाँ कंप्लीट होने वाला है। तो आप बने हमारे साथ, मैं करवा रहा हूँ आपको एमपी जी के कंप्लीट कोर्स। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्रैश कोर्स चल रहा है मध्य सामान्य ज्ञान का, तो बने हमारे साथ। कल भी हम आपके सामने सुबह 8 बजे आएंगे और रोज शाम को 6 बजे हम लगाते हैं एमसीक्यूज, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन रहेगी। तो ये शाम को 6 बजे आपको लाइव आना है, ये भी लाइव रहेगी, केवल 4 तारीख से वापस से 4 नंबर से मैं लाइव आ जाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। बट अभी आप मुझे एक बात और सच करते हैं, फॉलो कर सकते हैं unacademy.com/@dinesh.en22, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में ज्वाइन कर लीजिए, हम वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँचा देते हैं, ताकि आपको अगर यूट्यूब पर नोटिफिकेशन नहीं आए तो हम वहाँ पर आपको ग्रुप बनाए, बहुत बड़ा ग्रुप हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज ऐड हो जाइएगा उसके अंदर। और अनअकैडमी का नाम सभी ने सुना है, नंबर वन है एजुकेशन पोर्टल जो है इंडिया का, इस पर भी दोस्तों हम आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारे जो एमबीपीएससी व्यापम के कोर्सेज चालू हो चुके हैं। तो कैसे जुड़ना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको आपका गोल चूज करना है, जो है एमबीपीएससी व्यापम, ठीक है। अब आपने गोल चूज किया, गोल चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको फायदा क्या होने वाला है, तो पहला फायदा फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जब जब चाहे तब पढ़ाई कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है। साथ में लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, आप जिसमें पढ़ाई करें पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट्स लगाए जाते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्विजेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो फैकल्टी डायरेक्ट आपसे बात करती है, वहाँ पर आप लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन अटेंड कर सकते हैं। और इसका डेडिकेटेडली अलग से आपके लिए सेशन रहता भी है। डिटेल टेस्ट सीरीज है, साथ में आप दोस्तों बात कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पोल्स और लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। मोबाइल का जमाना है, अब आपको मोबाइल से पढ़ाई करनी है, उसके लिए अब आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। और यहाँ पर देखिए एक ही सब्जेक्ट के मोर देन 3-4 टीचर्स हैं, चाहे हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, एमपी स्पेसिफिक टॉपिक, कुछ भी हो दोस्तों, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, जल्दी से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ पर लाइव मिलेगा। लाइव नहीं देख पाए तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और दोस्तों सी सेट आप लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। मेरा ऑलरेडी कोर्स चालू हो चुका है, क्रैश कोर्स ऑन फैक्ट अबाउट मध्य प्रदेश पार्ट 1। उसके बाद दोस्तों आपको और नए नए कोर्स वहाँ पर मिलते जाएंगे। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको लाइव क्लास ले रहे हैं। सब कुछ का पैसा कितना है दोस्तों, देखिए अगर आप किसी कोचिंग में जाएंगे तो 70-80 हज़ार से ऊपर बात कोई नहीं करेगा, इससे नीचे कोई बात नहीं करेगा, सब इससे ऊपर ही फीस मांगेंगे। लेकिन यहाँ पर 7,000 आपको दिखा रहा है एक साल की फीस, ये भी नहीं देना आपको। आपको हमारा जो रेफरल कोड है कौन सा, DT Live को आप अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करेंगे तो 6,300 रुपये में आपको एक साल का कोर्स पढ़ने वाला है, यानी कि एक साल का कोर्स 7,000 का नहीं, ये पड़ेगा आपको 6,300 रुपये का, 6,300 रुपये का। लेकिन कब, जब हमारा रेफरल कोड अप्लाई करेंगे, DT Live, दिनेश ठाकुर लाइव। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है दोस्तों कि आपकी उम्र छोटी है या आप 12th और 11th से ही आप फोकस काय पर है कि
बीएससी क्रैक करना है तो बिल्कुल डीडी लाइव आप यूज करेंगे। 2 साल का कोर्स आपको 11,200 का नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको 10,080 रुपए का। डीडी लाइव रेफरल कोड यूज करें, 2 साल, इतनी सस्ती फीस कहीं की नहीं होगी। आप अगर इंदौर के बाहर के हैं ना, इंदौर आके रहने खाने का खर्चा साल भर का 60,000 रुपए लग जाता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम चालू करते हैं यहाँ पर जिसके बारे में हमने आपको ये वीडियो बनाया है। देखिए, हर एक वो टॉपिक जो एमपीपीएससी में काम आएगा, व्यापम में काम आएगा, हमने कवर करवा चुके हैं, करवा रहे हैं लगातार। इसीलिए हमारे चैनल को दोस्तों इंडिया का नंबर वन बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। एक सब्सक्राइब, एक लाइक कर दीजिए, धन्यवाद रहेगा आप सबका। भैया पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देखिए भैया स्वतंत्रता आपको ऐसे ही नहीं मिल गई, स्वतंत्रता जब मिली तो उसके लिए काफ़ी सारे लोगों ने बलिदान दिया है। इसमें एमपीपीएससी में या इंडियन जी एमपी जीके में अगर बात करें तो आपको फ्रीडम फाइटर जो एमपी से संबंध रखते हैं उनके बारे में बिल्कुल पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन तो कंपलसरीली आने ही वाला है, इसको कोई नहीं रोक सकता, तो एक क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए आपको देखना है। सबसे पहले हमारा जो हम बहुत सारे बात करेंगे, हम सबकी बात करेंगे, तो तंतिया भील, सबसे पहले तो तंतिया भील को टंटिया भील भी बोलते हैं, अलग अलग नाम पड़े हैं, क्यों ऐसा हुआ है देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने। आदिवासियों का जननायक और निमाड़ का गौरव कहे जाने वाले तंतिया भील का जन्म कब हुआ था, 1842 में पश्चिमी निमाड़ के ग्राम विरी में इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम तंतिया था, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया था, टंटिया के नाम से भी दूसरी मूवी बन चुकी है हमारे यहाँ पर मालवी में, टंटिया, टंटिया भील और तंतिया के नाम से मूवी ऑलरेडी बन चुकी है। तो तंतिया, टंटिया या तांतिया, तो नाम आप देख सकते हैं, तीनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं। भाई जब इन्होंने 1857 क्रांति हुई थी, आपको सबको पता है 1857 क्रांति किन के समय पे हुई थी, रानी लक्ष्मीबाई के समय पे, तो महज 15 साल के थे, ये 15 साल के थे तब इनकी ये क्रांति, इन्होंने तभी भाग लिया था उन्होंने, तभी से अंग्रेजों पर दोनों आरंभ कर दिया था। तंतिया भील को पकड़ने में 7 वर्ष ब्रिटिश हुकूमत को लग गए थे। कितना तेज तर्रार ये सेनानी रहा होगा उस समय, जिस समय अंग्रेजों के पास अपने आधुनिक हथियार, आधुनिक टेक्नोलॉजी, मतलब उसके हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, बट ये आदिवासी क्षेत्र में रहने के बाद भी उनको चकमा देते रहे। तो याद रखिएगा, तंतिया भील को 7 साल लगे थे और 88-89 में गिरफ्तारी में आए, उन्हें राजद्रोह का मुकदमा चला और उसके बाद 4 दिसंबर 1989 को उनको फांसी दे दी गई। तो 4 दिसंबर 1889 को इनको फांसी दे दी गई। और मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में, काफ़ी देर, बट देर आए दुरुस्त आए चलेगा, लेकिन एमपी सरकार ने 2008 में एक लाख रुपए तंतिया भील सम्मान की स्थापना की है और ये सम्मान 2008 से दिया जाने लगा है। तो ये मध्य सरकार ने, चलो सो जाओ सही भैया, देखो स्वतंत्रता सेनानी जितने भी हुए हैं उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है कि हमको आज़ादी दिलवाई, उनके सम्मान में कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। भाई बड़ी बड़ी राशियां ना देखे आप, अगर 1-2 लाख की राशि के सम्मान भी आप रहोगे तो उनका नाम तो हमारा रहेगा। जैसे कि अगले हमारे कुंवर चैन सिंह, बिल्कुल सही बात है, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद कहलाने का गौरव प्राप्त है। अब देख सकते हो आप कि फर्स्ट शहीद, पहला शहीद, पहला आपका कौन है, तो फर्स्ट शहीद कौन है, कुंवर जैन सिंह, वे नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। हालांकि वो राजकुमार थे लेकिन उन्होंने पहला शहीद होने का गौरव प्राप्त हुआ है। इन्होंने अंग्रेजों से काफ़ी, और इनको क्या बोलते हैं पता है, इनको बोलते हैं मध्य प्रदेश का मंगल पांडे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, इसको नोट कर लो। भैया मेरी क्लास में आओ तो पेन कॉपी लेके बैठा करो, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको हम बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ही बताते हैं, जनरल चीज़ का ध्यान रखा करें, ठीक है ना। तो एमपी का मंगल पांडे, मध्य प्रदेश के प्रथम रणवीर कुंवर जैन सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया और उनसे सीधे संघर्ष लिया, ठीक है। और उस समय दोस्तों जो चलती थी राजशाही या फिर उस समय राजघराने हुआ करते थे, वो इस तरीके की लड़ाई के लिए अपडेटेड नहीं हुआ करते, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में आधुनिक हथियारों का बोलबाला था, लेकिन हमारे यहाँ के जो जैसे तलवारबाजी है, धनुष है, या फिर आपके नॉर्मल जो हथियार थे उनका अस्त्र का यूज करते थे, लेकिन अंग्रेजों से लोहा लेना उस समय बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, लेकिन इन्होंने सीधे लोहा लिया। और कुंवर चैन सिंह 24 जून 1824 को सीहोर के दशहरा वाले मैदान में शहीद हुए। तो दशहरा बाग वाले मैदान में, सीहोर का मैदान है, दशहरा बाग मैदान, यहाँ पर ये लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। अगली हैं दोस्तों, देखिए नारी शक्ति के बारे में सब लोग जानते हैं ऑलरेडी, और हमारे साथ बहुत बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं जिस समय, हमारे यहाँ होलकर की बात करें तो हमारे
अहिल्याबाई जी हुई हैं, लक्ष्मीबाई जी हुई हैं, उन्हीं में से एक नाम है वीरांगना अवंतीबाई। अवंतीबाई का जन्म, जन्म स्थान देखो, जन्म और शहादत, जन्म और शहादत हर एक क्रांतिकारी का आपको नाम याद होना चाहिए, खास करके वो कहाँ और कैसे उनकी शहादत मिली उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको पॉइंट्स बनवा रहा हूँ, बाद में इनकी स्टोरी सुनाऊंगा, हर एक स्टोरी में बहुत आनंद आएगा, लंबा समय। अभी ये हमारा 30 मिनट का, यानी कि 30 मिनट का आपका ये सेशन है, बाद में हमारा 1 आवर का जो सेशन रहेगा उसमें हम आपको बहुत सारी डिटेल देने वाले हैं। तो पहले देखिए वो चीज़ कवर कर लेना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आ जाएगी। फिर आप जब आपको ज़्यादा ही नॉलेज चाहिए, डीप नॉलेज, तो उसके लिए आप बने हमारे साथ, सब्सक्राइब करो, लाइक करना भाई, लाइक से हमको ताकत मिलती है, ठीक है ना। वीरांगना अवंतीबाई का जन्म कब हुआ था, 1821 को मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेड़ी गांव में, ठीक है, मनकेड़ी गांव में हुआ था। पिता का नाम जुझार सिंह लोधी था। तो वीरांगना अवंतीबाई लोधी समाज से थी, लोधी परिवार से थी, और ये जुझार सिंह लोधी उनके पिताजी का नाम था। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल। और मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी, देश की महानतम वीरांगनाओं में से एक स्थान इनको प्राप्त है। तो मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी भी इनको बोलते थे। देश की महानतम वीरांगनाओं में इसका नाम शुमार है, बिल्कुल बिल्कुल झांसी की रानी की तरह वीरांगना अवंतीबाई भी रही हैं, और काफ़ी सारी ऐसी वीरांगनाएं रही हैं जिन, देखो एमपी संबंधित है वो तो ठीक है, ये देखिए इनके पास रानी अवंतीबाई रामगढ़ ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, रामगढ़ से और जुझार सिंह सिवनी में जन्म, मनकेड़ी गाँव में, 16 अगस्त 1831, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला, इनके बारे में थोड़ी डिटेल और दी जाती है कि भाई सन 1949 यानी कि 1849 में इनका विवाह शिवरात्रि के दिन मंडला जिले के रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ, एक ध्यान रखना है, विक्रमजीत सिंह के साथ। 1850 में रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके एकमात्र पुत्र विक्रमजीत सिंह के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण, अब देखिए यहाँ पर एक तो इनके लक्ष्मण सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और जो विक्रमादित्य हैं उनकी मानसिक हालत सही नहीं रहने की वजह से उनको क्या अयोग्य करार देते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार इन्हें क्या कर लेती है, हथिया लेती है इनके राज्य को, क्योंकि ना तो राजा रहा और ये मानसिक विक्षिप्त है। उस समय कुछ रूल रेगुलेशन चला करते थे जिनको मानना मजबूरी था लोगों की, और उसकी वजह से क्या हुआ, इनको अयोग्य करार दे दिया गया इस वजह से। और इसमें जब रानी की लड़ाई हुई इस वजह से कि उन्होंने हथियाने के लिए जब अंग्रेज आए तो इन्होंने सीधे युद्ध करा, और 20 मार्च 1958 को युद्ध करते हुए ये वीरगति को अपने राज्य बचाते हुए शहीद हो गई। तो शहादत की डेट याद रख सकते हैं आप, जन्म की डेट याद रख सकते हैं, सिवा किससे विवाह हुआ और किस राज्य की ये रही, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बढ़िया, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के बारे में एक बहुत बड़ी कथा प्रचलित है, उसको हम बाद में बताएंगे, काफ़ी लंबा समय लग सकता है, बट हाफ एन आवर का लेक्चर है तो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। बट अगेन वही, लाइक और डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कर दो, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक ज्वाइन कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है आपको, ठीक है ना। चलो फिर बाद में देख सकते हो कंटिन्यू करके। रानी दुर्गावती भारत की एकमात्र प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र में शासन किया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि गोंडवाना क्षेत्र में एकमात्र लेडी शासक रानी दुर्गावती भारत की प्रसिद्ध वीरांगना थी जिसने मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में क्या किया है, शासन किया। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनका राज्य गढ़मंडला जिक्सा में के जबलपुर तक था। मुगलों से युद्ध में गोंडवाना राज्य की पराजय हुई और रानी दुर्गावती को सत्ता गंवानी पड़ी थी। तो इनका किससे हुआ, मुगलों से इनका युद्ध हुआ, बट इनकी कहानी मैं बता रहा हूँ, सुनाऊंगा मैं आपको, उसके लिए आपको एक बार हमारे साथ जुड़े रहना है लगातार। देखिए 3 महीने का कोर्स है टोटल, 3 महीने में PSC का GK करवा दूंगा कंप्लीट, हर वो चीज़। शाम को 6 बजे आपको आना है क्विज लगाने के लिए, भूल जाओ कभी नहीं लगा पाए तो पुराने क्विज लगा लिया करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन लंबा समय लगता है उसके लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात कर रहे थे इनकी, अब देखिए झांसी की रानी वाली आपको, झांसी की रानी थी लेकिन इनका संबंध मध्य प्रदेश से भी है, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्रता के पूर्व अगर बात करें तो मध्य प्रदेश काफी लंबा ABCD राज्यों में अपना बरार तक, बरार स्टेट के नाम से जाना जाता था। तो भाई इनका नाम है 1857, आजकल यूपी में है वो झांसी, ठीक है। 1857 के विद्रोह की महान स्वतंत्रता सेनानी झांसी बाई का जन्म 1835 में हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था, 19 नवंबर को हुआ था। इसके बाद आप देख सकते हैं इनके पिता मोरोपंत तांबे और माता कौन थी, भागीरथी। पिता माता का नाम भी पूछा जा सकता है इनके, तो आप नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी फेमस हस्ती हैं तो इनका पूछा जा सकता है। 17 जून 1858 को राजा लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से संघर्ष करती हुई वीरगति प्राप्त हुई, तो 1858
सन 1913 में वो वर्ष 2013 में उनकी स्मृति में मध्य सरकार ने वीरांगना लक्ष्मी राष्ट्रीय सम्मान स्थापित किया। तंत्या भील को तो काफ़ी पहले सम्मान मिल गया, बट झांसी की रानी के सम्मान मिलते मिलते और देर कर दी इन्होंने 2013। बट ये भी एक सम्माननीय वो आपका अवार्ड है जिसको लोग लेते हैं, ठीक है ना। और कुछ जानकारी अगर चाहिए आपको तो और मैं देता रहूँगा, लेकिन झांसी की रानी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हम बताने वाले हैं बाद में। अभी हम बात करते हैं झलकारी बाई जी की। झलकारी बाई जी भी झांसी की रानी से कुछ मिलती जुलती चीज़ें हैं, बताऊँगा मैं आपको कैसे। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1880, तो नोट कर सकते हैं 1880 झांसी के पास भोजशाला गाँव में कोली परिवार में हुआ था, कोली परिवार में, ठीक है ना। अब झलकारी बाई की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई थी, यानी कि झलकारी बाई के किस्से उन्होंने सुने, जिससे उन्होंने क्या किया, रानी को दुर्गा सेना में सेनापति का पद दे दिया। तो जिस रानी झलकारी बाई को दुर्गा सेना में किसका पद दिया, सेनापति का पद दिया। तो ये है झलकारी बाई की, ये मेरे ख्याल से जो जितने भी चित्र हैं झांसी की रानी के हो गए, झलकारी बाई के हो गए, टंट्या भील के हो गए, ये सब ड्रॉ करे हुए हैं। इवन उसके आधार पर क्या, स्मृति के आधार पर लोग बनाए हुए हैं, एक्चुअल पिक्चर मिलना तो इनकी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब बात करते हैं तात्या टोपे जी की, जिनका एक्चुअल नाम पूछा जाता है और आ चुका है ये क्वेश्चन ऑलरेडी। रामचंद्र पांडुरंग राव यवलकर इनका नाम था, ये आप नोट कर सकते हैं तात्या टोपे के नाम से। उनका जन्म नासिक के निकट महाराष्ट्र के पटोदा ग्राम में, एवला ग्राम में हुआ 1814 को, ठीक है भाई मित्रों, नोट कर लो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पांडुरंग राव भट्ट की 8 संतानों में से तात्या सबसे जो, तो पांडुरंग राव भट्ट कौन थे, इनके पिताजी थे रामचंद्र पांडुरंग राव यवलकर, पूरा कंप्लीट इनका नाम था, और इनकी 8 संतानें थी, तात्या टोपे सबसे बड़े थे, ठीक है ना। चल 14 अप्रैल 1989 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानायक रहे ये, तो 14 से 59 तक। सन 1857 के महान विद्रोह में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही, प्रेरणादायक और भाई देखो जिन्होंने भी तात्या टोपे नाना और अगर बात की झांसी रानी की, सबने सुना होगा, ये बहुत प्रेरणादायक स्रोत रहे, उन्होंने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी, आपसी तालमेल आपसी मेलजोल की कमी की वजह से, अदरवाइज अपना भारत 100 साल पहले आज़ाद हो सकता था, आपसी तालमेल की कमी के कारण 100 साल और गुलाम रहना पड़ा। तात्या टोपे 1857 में उन वीर सेनानियों में से एक है जिनकी आरंभिक निष्ठा पेशवा परिवार के प्रति थी, पेशवा परिवार के लिए ये निष्ठावान थे। पेशवा नाना साहब की ओर से उन्हें सेनाओं का नेतृत्व किया, भैया पेशवा नाना साहब की ओर से क्या किया, उन्होंने नेतृत्व किया था उनकी सेनाओं का, तात्या टोपे जी ने। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिए बिल्कुल। और भाई देखिए जो भी मित्र हैं MPPSC, देखिए हो सकता है अभी आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, लाइव नहीं है ये, लाइव आऊँगा मैं 4 नवंबर से, बार बार बता रहा हूँ, 4 नवंबर से लाइव आ जाऊँगा। व्यापम यानी कि जिसको PE भी बोलते हैं, PB और MPPSC परीक्षाओं के लिए हमारे पास जितने भी टीचर्स हैं, मैथ्स के टीचर हैं, एथिक्स के टीचर हैं, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ाने के लिए अलग से टीचर हैं, हर एक चीज़ के लिए टीचर आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ाई जाएगी, तो सारा का सारा सिलेबस यहीं कंप्लीट होगा अनअकैडमी स्टूडियो प्लेस को। तो अपने मित्रों को प्लीज़ शेयर करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चल नेक्स्ट, भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी की बात करें तो अगले हैं बख्तावर सिंह। कौन है, बख्तावर सिंह, बिल्कुल सही है। बख्तावर सिंह मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा कस्बे के शासक थे, जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो 1857 के मध्य क्या किया था, अंग्रेजों से संघर्ष किया था, उनमें महाराणा बख्तावर सिंह धार जिले से हैं, एक ये आप नोट कर सकते हैं 1857 उसी समय के हैं ये, ठीक है। अंग्रेज संघर्ष किया था, लंबे संघर्ष के बाद छलपूर्वक अंग्रेजों ने कैद कर लिया था, छलपूर्वक अंग्रेजों ने कैद किया था। हर एक स्वतंत्रता सेनानी की अपनी कहानी है, उसके बारे में हम आज में डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। इसमें एक चीज़ और है कि 10 फरवरी 1858 में इंदौर के महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय परिसर के एक नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी से लटका दिया गया था। देखिए भैया MY हॉस्पिटल, देखिए जानकारी आपको फोटोज में जो मिलते हैं किताबों मिलती है वो स्टैटिक होती है, वो एक बार लिख गई तो लिख गई, लेकिन हम रिसेंट जानकारी अपडेटेड जानकारी देते हैं, इसलिए वीडियो से पढ़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। हम आपको बता दीजिए MY हॉस्पिटल कब बनाइए, बाद बनी हुई है, महाराजा यशवंत राव होटकल चिकित्सा परिसर MY हॉस्पिटल, उसके परिसर में एक नीम के पेड़ पर उन्हें फांसी लटका दिया गया था, 1858 की बात चल रही है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए राजा शंकर शाह,
भैया 1783 में इनका जन्म हुआ था, और इनके पिता कौन थे? सुमेर शाह थे। फोटोज आप देख सकते हैं, ये भी काल्पनिक और बनाई हुई फोटोज हैं, बट एक बहुत दुखद मार्मिक इनका अंत हुआ था, जिसकी ये फोटो जरूर, ये फोटो उस समय की है जो किसी अंग्रेजी आर्टिस्ट ने बना के दी है, और ये कन्फर्म है कि यही फोटो उस समय की है, लेकिन ये जो फोटोज हैं ये बाद में लोगों ने बनाई। देखिए 18 सितंबर 1957 को उन्हें देशद्रोह के आरोप में तोपों से उड़ा दिया था। जो मैं फोटो दिखा रहा हूँ, मैं ये तोप में बंधे हुए हैं और यहाँ से तोपों से इन्हें उड़ा दिया था। ये बहुत ही गलत तरीके से सजाएं दी जाती थी। देखिए अंग्रेज भी सजा देते थे, आज भी कानून है, तब भी वो कानून बनाते थे, लेकिन उनके कानून के नियम थोड़े से गड़बड़ थे, जिसकी वजह से लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया। अगर वो कानून प्रॉपर चलाते तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों का शासन भी लंबा चल सकता था, लेकिन उन्होंने अति करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। भैया सआदत खां के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं, नोट कर लो। ये भी भैया मालवा क्षेत्र के होलकर राव के एक सैनिक थे, ठीक है ना। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के राजा होलकर के एक सैनिक सआदत खां, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान है इनका। अक्टूबर 1874 को इन्होंने अंग्रेजों को फांसी दी थी। अब दोस्तों जितने भी लोग हैं, ये देखिए मालवा क्षेत्र के होलकर परिवार से एक सैनिक थे सआदत खां, लेकिन इन्हें फांसी दी थी 1874 में, ये आप याद कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। भाई स्क्रीन पर आपको बहुत ही बेहतरीन और बेहतरीन जानी मानी और प्रेरणादायक फोटो दिख रही होगी, जिनकी फोटो अक्सर हर विद्यालय में, हर एक सरकारी कर्मचारी दफ्तरों में, हर एक सरकारी दफ्तरों में मिल जाएगी, जो है हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की 23 जुलाई 1906 से 1931 तक इनकी क्या रही, जीवन लीला रही। तो 1906 23 जुलाई को जन्म हुआ था, से 27 फरवरी 1931 ऐतिहासिक दृष्टि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब यहां पर आप देख सकते हैं 1906 में इनको जन्म हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म प्रदेश के भाबरा गांव में, भाबरा गांव नोट कर सकते हैं, भाबरा गांव, अब चंद्रशेखर आजाद आजाद नगर के नाम से वर्तमान में अलीराजपुर जिला में है। ठीक है, अलीराजपुर जिला में वर्तमान में। इनके पिता का नाम पंडित सीतारामन और माता का नाम जगरानी था। तो सीताराम और जगरानी के पुत्र पंडित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी थे। ठीक है, नोट कर सकते हैं बिल्कुल। इनके पिता ने क्या किया, बचपन में उनके बचपन का नाम क्या था, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, ये नोट कर सकते हैं। इनके पिता ने क्या नाम रखा था, पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, लेकिन गिरफ्तार होने पर न्यायालय में उन्होंने अपना नाम क्या बताया था, आजाद, इसीलिए इनका नाम चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है। 27 फरवरी 1931 को जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे थे, तभी पुलिस ने उन्हें घेर लिया, वे लड़े और पिस्तौल में एक ही गोली शेष थी, तो उन्होंने अपने सिर में दाग कर खुद शहीद हो गए। ये इनकी कहानी और बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत बहुत गुड़ रहस्य हैं, जिनको हम आगे कवर करेंगे। आगे कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले भाई, शेयर कर देना अपने मित्रों को। 8 बजे सुबह 6 बजे शाम को मैं आपको मिलूंगा डेली, अभी मैं लाइव नहीं हूं, लाइव आऊंगा आपसे बात भी करूंगा, आपको क्वेश्चन जवाब भी दूंगा। ठीक है, चलिए। ठाकुर रणमत सिंह के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम आपको दे देते हैं कि गुलाम भारत में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने वाले मध्य प्रदेश के बिंद क्षेत्र में इनका प्रमुख नाम है। ठीक है भाई, गोंडवाना में अलग, बिंद्र में अलग, मालवा में अलग, ठीक है, सबका अलग अलग क्षेत्र रहा है। हर चीज को आप नोट कर सकते हैं, एक आराम चार्ट बना सकते हैं, वो चार्ट में प्रिपेयर करवाऊंगा आपको, मेंस की तैयारी भी मैं करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, कहीं मत जाइएगा, हर चीज आपको यहां मिलेगी। 1825 में जन्मे, इनका मत था कि अगर अंग्रेजों पर लगातार हमले किए जाएं तो वो भारत छोड़ देंगे। इन्होंने ये गरम दल के एक खास नेतृत्व रखे थे, अब गरम दल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें गरम दल नंदन था ही नहीं, लेकिन इनका जो मत था कि अंग्रेजों पर अगर लगातार हमले करें, शांति से बैठ के काम नहीं करोगे, अगर लगातार हमले करते रहोगे तो एक दिन अंग्रेज छोड़ के भाग जाएंगे, इनकी सोच कब थी, 1825 में, देख सकते हो आप, ठीक है ना, सॉरी 1825 में जन्मे थे ये, उनकी सर तब थी जब आप स्वतंत्र भी नहीं हुए, बहुत पुरानी बात है। तो 1825 में क्या हुआ, इनका जन्म हुआ था और इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया जो विचार दिए, अंग्रेजों ने धोखा देकर इन्हें जलपा देवी के मंदिर में, कहाँ, जलपा देवी मंदिर परिसर में, अपने उनके मित्र विजय शंकर नाग के घर के तहखाने से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे सो रहे थे। ठीक है ना, उन्हें
1859 में अनंत चतुर्दशी के दिन उसी दिन फांसी दे दी जब उनका जन्म हुआ था। तो जन्मदिन के दिन ही ठाकुर रणमत सिंह को, उनके जन्मदिन के दिन ही उनको फांसी दे दी गई। उस समय अनंत चतुर्दशी का दिन भी था। अब देखिए दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी जितना इतिहास लिखा हुआ है किताबों में ना, कुछ कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप बिल्कुल नहीं, हमारे बने रहो, आपको हम बहुत बार रिपीट करा के याद भी कराएंगे इस चीज़ का। भाई अनंत चतुर्दशी दिन किसको फांसी दी गई थी? ठाकुर रणमत सिंह को। रणमत सिंह को कब फांसी दी गई? जब उनका जन्मदिन था। तो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। शहीद गुलाब सिंह, भैया ये भी एक सांकेतिक फोटो है, लेकिन हम आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र के वीर, ठीक है ना, कहाँ के महाकौशल क्षेत्र के वीर। गुलाब सिंह का नाम 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है। 14 अगस्त को सत्याग्रहियों पर जुलूस ने में अंग्रेजों ने लाठियां चलाई, जिसमें गुलाब सिंह जी शहीद हो गए। तो ये एक गुलाब सिंह जी क्या जुलूस में शहीद हुए थे, महाकौशल क्षेत्र के वीर थे। तो महाकौशल क्षेत्र में इनका 1942 के क्षेत्र में इनका नाम है। भीमा नायक, बहुत बढ़िया, अच्छा नाम भीमा नायक, क्योंकि ये सेंधवा के आदिवासियों का नेतृत्व किया करते थे। देखिए उस समय भील आदिवासी या छोटी जातियों का किसी आंदोलन में सहयोग करना बहुत बड़ी मान मानी जाती थी। रीज़न क्या है कि राजे रजवाड़े ठकरा से या फिर जो उच्च घराने के लोग माने जाते थे, ठीक है, आजकल मैं नहीं बोल रहा हूँ सब समान है, सबकी समानता का अधिकार है, लेकिन पहले देखिए ऊंच नीच का भेदभाव बहुत ज़्यादा था। उस समय छोटे तबके के लोग अपना विद्रोह करना या अपने को रजिस्टर करना, किसी के प्रति खिलाफत में उतरना बहुत मुश्किल होता था। ऐसे समय में आदिवासियों में क्रांति होना अपने आप में एक बड़ी वीरता दर्शाता है, क्योंकि जो छोटे दबके के लोग हुआ करते थे ना, उनको लोग जनरली क्या करते थे, दबा देते थे। उसकी वजह से क्या होता था कि वो अपना मतलब अपने आंदोलन या अपना संघर्ष जाहिर नहीं कर पाते थे, वो बहुत नीचे अपने आप को बहुत दबा हुआ समझते थे, कुचला हुआ समझते थे। तो सेंधवा में आदिवासी को नेतृत्व करने वाले भीमा नायक थे। भीमा नायक ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के संघर्ष किया था। 2 अप्रैल 1864 को सतपुड़ा के घने जंगलों में सोते समय अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो देखिए भैया, ये भीमा नायक थे आदिवासियों के सरगना। और हम आपको बता दें कि इसी प्रकार की और भी हम लेटेस्ट जानकारी अपडेट लाते रहेंगे। भाई कुछ और चीज़ें हैं, अगर फैक्ट है तो आपको बता देंगे हम बिल्कुल, कि 1857 में भीमा नायक ने विप्लव में अंग्रेजों से खड़ा मुकाबला किया था। पश्चिमी निमाड़ी रियासत के पंचमोहली गांव में इनका जन्म 1401 में, भीमा नायक का जन्म स्थान नहीं बताया क्या मैंने, जन्म बता देते हैं 1840, ठीक है ना, 1840 में इनका जन्म हुआ था। पश्चिमी निमाड़ रियासत के पंचमोली गांव में, कहां पर हुआ था, पंचमोली गांव में, ठीक है भैया। देखो स्वतंत्रता सेनानी हो चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी हो, हम सब कुछ आपको देने वाले हैं इसी चैनल पर, अनअकैडमी स्टूडियो प्लेच पर। आप बने रहना हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ आपको मिलेगी। बट एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है, अगर वो आप कर देंगे तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए भाई, ये क्वेश्चन ऑफ द डे देके जाता हूँ, जो भी मित्र देख रहे हैं ये वीडियो को, लाइव तो नहीं है बट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है, ठीक है ना। बताइए किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस वंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था, ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, किसकी, ओरछा बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था, ओरछा को बताइए किस वंश ने। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, बुंदेला, चंदेल, मुगल या सिंधिया। बुंदेला, चंदेल, मुगल या सिंधिया। ए बुंदेला, बी मुगल, बी ए बुंदेला, चंदेल, मुगल या सिंधिया, बताइए। ए बी सी डी में बताइए, बुंदेला, चंदेल, मुगल या सिंधिया, ठीक है ना। चलिए ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लगाना है और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक को ज्वाइन कर लेना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ, वही अगेन कुछ लोग पूछते हैं कि भाई ये सब्सक्रिप्शन क्यों लें, आप क्यों बताते हैं अनअकैडमी प्लस को क्यों सब्सक्राइब करें। तो बिल्कुल आपको एक क्लियर कट बता देता हूँ, कोई भी कोचिंग संस्थान फ्री में नहीं पढ़ाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे मांग रहे हैं, पैसे कितने मांग रहे हैं भाई, कोचिंग इतने बड़े बड़े टीचर आपको पढ़ा रहे हैं,
एमपी के इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इंडिया का नंबर वन चैनल ऑलरेडी बन चुका है ये, एमपी में भी एमपीपीएससी भी आप उनके लिए नंबर वन चैनल बन चुका है ये, हमारा चैनल तो ऑलरेडी है ही नंबर वन, ये भी नंबर वन है, दोनों मिलकर जब आपको पढ़ाएंगे ना तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा मित्रों। 12 महीने का इतना सस्ता पैकेज है यार कि देखो 6,300 रुपये, हाँ लेकिन रेफरल कोड हमारा क्या है, DT दिनेश ठाकुर लाइव, DT लाइव आपको यूज करना है तब जाके कहीं आपको ये फायदा मिलेगा बिल्कुल ठीक है। तो 10% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी सब्जेक्ट में, एक दूसरा इसको लेने से क्या फायदा है, एक सिंगल सबसे पहले एक बार सब्सक्राइब करो, अनलिमिटेड कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड वीडियो देखो, अनलिमिटेड डाउनलोड करो। दूसरा पीडीएफ, पीडीएफ यानी कि आपको क्या मिलती है वहां पर, आपको नोट्स मिल जाते हैं जिसको बोलते हैं नोट्स, ठीक है नोट्स मिलेंगे। तीसरा आपका है एक ही सब्जेक्ट को मोर देन 3 और 4 फैकल्टीज पढ़ाती हैं, यानी कि मल्टी फैकल्टी, ठीक है। चौथा आपको इतना सब लेने के बाद आपको लाइव के साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज और टेस्ट सीरीज, आपको लाइव क्विज, ये सब चीजें वहां पर आपको मिलती हैं ठीक है ना। और डाउट क्लियरिंग सेशन, सबसे बड़ा छठवां पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है डाउट क्लियरिंग सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन। अब भाई देखो क्या होता है, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, जैसे मैं बता रहा हूँ यूट्यूब पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं बट वहाँ पर, और एक चीज़ तो बताना भूल गया, यूट्यूब पर जब आप पढ़ाई करते हो ना तो यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, नीचे आपको देखो कोई गाना दिख रहा होगा, कोई सजेशन में कोई मूवी की पिक्चर का कुछ ट्रेलर दिख रहा होगा, आपका दिमाग भटकता रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जितने भी लोग पढ़ते हैं सिंसियरली आते हैं वो पढ़ाई करते रहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बहुत सस्ता है। अगर 2 साल की बात करें ना, अगर आपकी उम्र छोटी है आपको लग रहा है तो 10,080 रुपीज, 10,080 रुपये का ये आपको मिलेगा, 10,080 रुपये का आपको मिलेगा पैकेज 2 साल का। इससे सस्ता क्या हो गया, 5,000 रुपये साल। अगर आप इंदौर से बाहर के हो तो आज ही ले लो, रीजन ये है कि कल के दिन अगर ये महंगा हो गया तो आपको नुकसान हो गया। इंदौर आके पढ़ाई करोगे, मेरी कोचिंग संस्थान की फीस कितनी है पता है आपको, 55,000 रुपये, 55,000 रुपये की फीस है मेरे कोचिंग संस्थान की, अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे ना 55,000 रुपये, और यहाँ रहने का खर्चा आने जाने का खर्चा अलग, तो भाई कितना महंगा पड़ रहा है। और ये घर बैठे आपको 2 साल की फीस 10,000 रुपये, 1 साल की फीस 6,300 रुपये, ठीक है 1 महीने की 1,400, ये सब चीज़ें ये कुछ काम की नहीं है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि इतना बड़ा कोर्स आपको मिल रहा है और दिग्गज लोग पढ़ा रहे हैं, एमपीपीएससी व्यापम का कम, और एक चीज़ बताने भूल गया, एमपीपीएससी की फीस बताई मैंने व्यापम की 22,000 रुपये अलग है, तो 22,000 और भी कितना हो गया, लगभग 80-90,000 रुपये हो जाता है, और ये मिल रहा है आपको कितने का, 6,000 का, और यहाँ मिल रहा है आपको 10,000 का, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो भाई बिल्कुल वहाँ पर चलें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम आपको इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दी है, उसको फॉलो ज्वाइन कर लीजिए।